क्या बिना डुबकी लगाए अर्घ देना है संभव? सर इलेक्शन के पहले अगर छठ पर्व रहता तो ये कोई गाइडलाइन जारी नहीं होता, यही अगर इलेक्शन के बाद ही छठ पर्व है इस वजह से गाइडलाइन जारी किया गया है। सब टीबी परसेंट, हार्ट अटैक, उस सब के बीमारी में कोरोना जोड़ दिया। पहले तो आदमी मर ही रहा था, वे कोरोना में जोड़ दिया और क्या, छठ से नहीं बढ़ेगा। जय छठी मैया। बिहार में जो लोक संस्कृति का पर्व छठ है वो धूमधाम से मनाया जाता है और बिहार छठ के लिए ही जाना जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण छठ व्रत को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी है। हम सीधे अभी पहुंचे हैं छठ घाट पे। छठ घाट पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ बात करेंगे ये सरकारी गाइडलाइन के बारे में जानते हैं कि नहीं, और दूसरी बात यह गाइडलाइन से इनके मन में क्या विचार आता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा चुनाव हुई थी, उस समय नेताओं के हेलीकॉप्टर आए थे, सभा लगी थी, भाषण हुआ था, उसमें भी काफी भीड़ जुटी थी, लेकिन छठ के लोग को लेकर अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने एक गाइडलाइन जारी किया है, तो इस गाइडलाइन के बारे में यहाँ के जनता क्या कहते हैं, श्रद्धालु क्या कहते हैं, आइए हम बात करते हैं उन्हीं से। पहले आगे बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटा वाला बटन जरूर दबा दें। और तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी एक पुजारी यहाँ के जो देख रेख करते हैं और पूछे, बाबा आपका नाम क्या होगा? रामेश्वर दास। रामेश्वर दास जी, आप यहाँ पर ये क्या है, कौन सा स्थान है? छठियार। ये छठियार में छठ होता है, कितने दिनों से हो रहा है? सौ साल पहले से हो रहा है, तो इस बार यहाँ छठ का आयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। तो अभी सरकार जो है तो कोई गाइडलाइन जारी किया है कोरोना के लेकर, तो गाइडलाइन के बारे में कुछ जानकारी है? तो देखिए हम गाइडलाइन आपको बताते हैं पढ़ के कि सभी पंचायत स्तर पे सभी ये थी दिया गया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र से इसको प्रसारित करना है। तो गाइडलाइन में एक नंबर में दिया हुआ है, छठ पर्व के दौरान बुखार से ग्रस्त व्यक्ति, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को सलाह दी जाती है वे छठ घाट पर न जाएं। दूसरा नंबर में है, तालाबों पर अवस्थित घाटों पर छठ व्रत के दौरान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाना चाहिए एवं आपस में 2 गज की दूरी अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। तीसरा नंबर है, तालाब में अर्घ देने के दौरान डुबकी नहीं लें। चौथा है, छठ महापर्व हेतु अर्घ देने की व्यवस्था यथासंभव अपने घर पर ही किया जाना चाहिए। तो ये सरकारी गाइडलाइन है जो अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया, ठोक तंत्र के द्वारा आपको बताया गया है। तो इसमें जो दिया हुआ है दूसरा कि 2 गज की दूरी घाटों पर प्रत्येक व्यक्ति का मास्क का प्रयोग करे 2 गज की दूरी तक, और डुबकी नहीं लगाने के लिए बात किया गया, तो क्या बिना डुबकी लगाए अर्घ देना है संभव? आपको ध्यान पकड़ते हैं, संभव है? नहीं सब रहेगा, सरकार ऐसा काहे कर रही है? यहाँ के बारे में तो सरकार यहाँ क्या, सरकार की इस घोषणा पर आप क्या कहते हैं, इस निर्णय पर? नहीं क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। यहाँ पर क्या आप लोग कर रहे हैं? हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, छठ की तैयारी कर रहे हैं। सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन छठ के लेकर जारी है वो पता है? पता है। क्या पता है? कि छठ में कुछ यहाँ पे मैंने कि छठ नहीं होना है, घर घर पे होना। अच्छा, अभी चुनाव में नेता लोग का यहाँ पर ये थी सभा हुआ था? हुआ था, हुआ था। उस समय कोरोना था कि नहीं था? वो कोरोना था, लेकिन कुछ गाइडलाइन नहीं था। कुछ गाइडलाइन था, छठ को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुआ है उस पर कहना क्या चाहते हैं? बहुत सरकार की तरफ से क्या बोला जाए, जो सरकार के नियम वही ना रहे। अभी छठ पर है कि यहाँ पर गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि 2 गज की दूरी रखना है, डुबकी नहीं लगाना है, क्या तो बिना डुबकी लगाए छठ संभव है? नहीं सर, नहीं संभव। नहीं संभव, नहीं संभव, नहीं संभव। क्या कहना चाहते हैं सरकार? यही कहना चाहते हैं कि छठ होना चाहिए। और क्या नाम है? कहाँ घर?
पूरा डी पे, हाँ पूरा डी पे घर है औरंगाबाद, औरंगाबाद अभी यहाँ छठ क्या तैयारी चल रहा है, यहाँ कितना भीड़ होता है लगभग? सी को कहना है कि मतलब सरकार के लिए छठ भीड़ लगाना जरूरी है, छठ करना उसके लिए नहीं जरूरी है, ये कहना है उसके लिए। नहीं तो ये गाइडलाइन जारी हुआ है, तो बताया है कोई कि सरकारी गाइडलाइन है कि छठ पर क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है? बताया है पर हमको तो नहीं पता है। नहीं पता है इसमें तो ग्राम पंचायत स्तर पर लिखा हुआ है कि ध्वनिक विस्तार के यंत्र में सब जगह प्रचारित करना है, प्रचार गाड़ी आया है? नहीं आया। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, छठ की तैयारी हो रहा है? जी छठ की तैयारी यहाँ पे चल रहा है। क्या क्या है तैयारी, क्या क्या चल रहा है तैयारी? यहाँ पे जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं उनको रंगा जा रहा है, उनको सुंदरता प्रदान की जा रही है, और घाट को निर्माण किया जा रहा है जिसमें जो महिला जो लेडीज जेंट्स दोनों जो छठ पर्व करेंगे उनको दिक्कत ना हो उतरने के लिए, इस वजह से थोड़ा सीढ़ी वीढ़ी का प्रावधान किया जा रहा है। यहाँ मतलब बहुत भीड़ हो जाता है? कितना भीड़ हो जाता है? बहुत, 1 लाख से ऊपर भीड़ रहता है। 1 लाख से ऊपर, तो इस बार भी उतना ही लोग आएंगे? हाँ, इस बार भी उतना ही भीड़ रहेगा। तो इस बार जो कोरोना बीमारी चल रहा है पता है ना? जी तो सरकार गाइडलाइन जारी किया है कि 2 फीट की दूरी रखना है, डुबकी नहीं लगाना है, घर पे छठ मनाना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब हम लोग गांव के लोग हैं, ये सब हम लोग कोरोना तोरोना से डरते नहीं है। और जो कोरोना था उस समय वो इलेक्शन के समय ही खत्म हो गया, जो नेताजी दिखा के चल गए भाषण के भीड़ में, जो अब कोरोना रह नहीं गया, ये सब अमेरिका और न्यूजीलैंड वाला समझे, हम लोग भारत वाला कोरोना नहीं समझेंगे। तो फिर दिल्ली में मर रहे हैं 4 लोग रोज का, ये अब कार ये सब समस्या ये सब सरकार दिल्ली सरकार समझेगा, बिहार सरकार तो सब न्यूज अभी ये सब अलग कुछ कर नहीं रहा है। नहीं तो अभी तो गाइडलाइन जारी हुआ है, देखिए 3 तरह के गाइडलाइन जारी हुआ है कि तालाब में अर्घ देने के दौरान डुबकी नहीं लगाना है, ताकि बिना डुबकी लगाए हुए कैसे अर्घ दिया जाएगा? तो फिर जो छठ का जो नियम पालन है वो तो बर्बाद कर दिया जा रहा है। ये तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि कैसे आप ये सब नियम पालन आप निकाल रहे हैं, गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, ये सब सोचना चाहिए सरकार को। जिस समय इलेक्शन था उस समय भाषण के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ लग जाती थी, उस समय कोरोना का कोई चल नहीं रहा था। अब अभी छठ महापर्व में आप कोरोना का बात कर रहे हैं, गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, कि सरकार मतलब गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है सरकार। यही अगर इलेक्शन के पहले अगर छठ पर्व रहता तो ये कोई गाइडलाइन जारी नहीं होता, यही अगर इलेक्शन के बाद ही छठ पर्व है इस वजह से गाइडलाइन जारी किया गया है। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो कोरोना के चक्कर में ना पड़े सरकार, सब नियमित रूप से होगा, आप कितना भी रोक दीजिएगा, कोई पर्व पर्व ऐसा पर्व है हिंदू धर्म का कि कोई रुक नहीं सकता है और ना कोई रोकेगा इसको। क्या नाम है आपका? लक्की राज। महेश जी यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? यहाँ पर छठ पूजा होता है। सुना हुआ तो सरकार के नहीं लग रहा था। नहीं तो वो तो सरकारी काम था ना, जनता का काम है तो कुछ नहीं होगा। कोरोना सब है। हाँ कोरोना नहीं है सरकार के लिए नहीं है, वो जनता के लिए है, ये कहिए। नहीं तो गाइडलाइन जारी हुआ है सरकार की तरफ से, चुनाव में तो वोट देने गए थे तो सैनिटाइजर लगा के आपको चुनाव करवाया जा रहा था। कहाँ एक भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जी? कहाँ एक भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है चुनाव में? इतना वोट तेरा है, कहाँ कोई किया है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन? और जब छठ होगा तो बोल रहा है सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सोचने वाली बात नहीं है। छठ पूजा है, छठ तो होगा ही, और छठ होगा ही। जब चुनाव था तो उसमें सरकार मैंने बोल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन होना चाहिए, और छठ में होना चाहिए। सूर्य भगवान का पर्व है, महान पर्व है, छठ तो होना चाहिए। तो बीमारी बढ़ जाएगा ना वगैरह ऐसे भीड़ लगेगा तब? अब वोट में बीमारी नहीं बढ़ रहा था उस समय, देख रहे हैं कैसे लाइन में लगल लग रहे हैं, सब भीड़िया धसान भीड़ लगल है, और उसमें नहीं मैंने कोरोना धर रहा था है? और छठ में कोरोना धर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुल्लू। क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यह कहना चाह रहे हैं कि सरकार जब वोट था तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के भी पालन नहीं हुआ, और यहाँ छठ पूजा है सूर्य भगवान का, इसमें तो पर्व होना चाहिए। मेरा तो कह रहा है कि घर में कीजिए आंगन में ना, तो पर्व तो यहाँ सब कुछ है, जो नियम है संविधान है कि तालाब में होता है पोखरा में होता है उसी संविधान के अनुसार नदी चलेगा। तो यहाँ पोखरा में आने के लिए तो गाइडलाइन जारी हुआ है कि उसमें डुबकी नहीं लगाना है? डुबकी तो लोग लगाते करेंगे, ऐसा थोड़ी है, उम्र तो भी लोग कहते बिना नहाए हुए अर्घ देने के लिए हो सकता है? कैसे होगा, सूर्य भगवान का पर्व बिना नहाने पास कैसे होगा?
नहीं होगा। इसके लिए जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसके बाद से, लेकिन पटना में जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसमें छठ व्रतियों के गंगा घाट पे नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। वहाँ के डीएम ने कहा है कि हम घर घर गंगा जल भेज देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? उचित विभाग भेज देंगे, यहाँ भी घर घर भेज देंगे, यहाँ भी भेज देंगे घर घर, तो आदमी नहीं करेगा यहाँ पोखरा तालाब में छठ, घर घर भेज देंगे डीएम साहब। उसमें नहीं तो देखे कि बहुत सा भीड़ ऐसी लगल है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, कोई देख रहे हैं कि मास्क नहीं पहनने था, ऐसे ही देख रहे हैं कि ठीक है, तो उसी सब बचाव के लिए यहाँ घर घर गंगा जल भेजने के लिए कह रहे हैं। और वोट में कोई मैंने वोट में कुछ नहीं, वोट में ऐसे ही सब लाइन में लगल है, इसलिए सरकार का कोई ध्यान नहीं था। और जब छठ पर्व सूर्य भगवान को हो रहा है तो ध्यान है सरकार का, तो क्या कर रहे हैं आपको वोटों में ईवीएम घर में भेज दिया जाता तो भेज ना दिया जाता, अब कहाँ भेजे उसमें, तो कि चलिए जैसे मन तैसे वोट दीजिए उसमें था। देखे तो कहूँ भी हम देखे तो कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, ऐसे देख रहे कि कोई मास्क नहीं पहनने था, जहाँ पे कि जो वोट दिवाने वाला स्टाफ था वो भी मास्क नहीं पहनने था, हम वोट देने गए तो देख रहे हैं। यहाँ भी छठ की तैयारी के लिए मतवालो अपने खुद से कर रहा है, सरकारी कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुआ जी? नहीं है, यहाँ पर भीड़ नहीं लगाना है तो आप लोग व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? भीड़ तो लगबे करेगा, तो अब कुछ बहुत दिन से हो रहा है, भीड़ तो लगना भी चाहिए, भीड़ तो लगेगा, सरकार अब कार्रवाई कर देगी, कुछ नहीं होगा सरकार नेता रहा तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, जब छठ पर्व हो रहा तो कार्रवाई होगा, बीमारी बढ़ जाएगा ना फिर? कुछ बीमारी नहीं, जब नेता रहा एक लाख आदमी आ रहा नेता घड़ी तो कोई बीमारी नहीं है, और जब छठ पर्व के लिए बीमारी हो रहा है। आपके लोग के लिए सरकार तो कह रही है कुछ नहीं है, जनता के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं, सब ऐसी राजनीतिक है। हाँ। कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है जी? नहीं, कोरोना से कितना लोग मर रहे हैं दिल्ली में, मर रहे हैं सब, टीबी पेशेंट हार्ट अटैक उस सबके बीमारी में कोरोना जोड़ दिया, पहले तो आदमी मर ही रहा था वे कोरोना में जोड़ दिया, और क्या छठ से नहीं पड़ेगा कोरोना? नहीं कुछ नहीं होगा। हाँ। कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा छठ से कोरोना? सब सूर्य भगवान देख लेंगे, होता है हर साल होगा, कोरोना है ये नहीं इसमें। था के महापर्व छठ पे जारी कोरोना गाइडलाइन के बारे में लोगों का राय सुना, यहाँ जो काम कर रहे थे उन लोगों से मैंने बात किया, अशोक तंत्र की टीम बात की, बातचीत से ही पता चलता है कि आस्था पे, सरकारी गाइडलाइन पे आस्था भारी है, और हर कीमत पे लोग हर हाल में छठ व्रत धूमधाम से जैसे पहले मनाते थे वैसे मनाने का प्रयास करेंगे, मनाने की का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ तैयारी धूमधाम से छठ घाट पे चल रही है। ठोकतन लोगों से, आप लोगों से आग्रह करता है कि जो अगर सरकारी गाइडलाइन जो जारी हुआ है उसका जितना संभव है वो पालन करें। हालांकि चुनाव में जिस प्रकार नेताओं ने भीड़ लगाया उसके बाद छठ पे जो गाइडलाइन जारी हुआ इससे जो कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखता है जनता में, इसका आक्रोश है, गुस्सा है, आप अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए ठोक तंत्र। मैं अभय कुमार।